मेरा मास्टर। कौन है तुम? रास्तों में तुम्हें कुछ अनजान आत्माओं से सामना हुआ होगा। मैं हमेशा अपने पहाड़ पे एक जी बन जाता था, अमर था। ये पत्थर इस पहाड़ के ऊपर अनगिनत दिनों से खड़ा है। ओ जाते जाते पैर का उंगली कर लिया मैं बेकार। हाँ, उनकी थूकते हुए छवि मैं कहूंगा। तो कैसे हो मेरी यारो? फाइनली लेकर आ चुका हूँ ब्लैथ मेथ होकुंग का एक फुल गेम प्ले जो पूरा ही हिंदी पे डब रहेगा। शायद आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख चुके हो बट आप लोगों को उसका स्टोरी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपको पूरा ही ये वीडियो हिंदी पे देखने के लिए मिलेगा। मेरे से जितना होता है मैं उतना डब किया हूँ भाई, आप लोग देखना, आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि गेम प्ले का स्टोरी क्या है। तो आप लोग कमेंट पे मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो जाते हैं गेम के अंदर। तो या फाइनली गाइस हम गेम के अंदर आ चुका है और ओ माय साहब भाई ग्राफिक्स क्या भाई, नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स इसका। और यही है द मंकी किंग बाय ब्लैक किंग द हुकुंग, तो यही है। और सामने राक्षस भाई, ये जो सामने है ये सारे के सारे देवता है ये। और मंकी, अबे मंकी मंकी भाई भाई मत जा भाई, उनसे पंगा मत ले। अबे भाई क्या कर रहे तू? अबे भाई ये बंदर सच्ची में बहुत शरारती बंदर है। और ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया? ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल गाइस, फुल आप लोगों को फुल हिंदी पे ये देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ये ग्राफिक्स देख के तो ओह भाई, मुझे सिर्फ देखने दो भाई, देखने दो, आप लोग भी मजा लो यार। भाई 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 मंकी हो तो भाई मंकी किंग, तू इनसे पंगा मत लियो, तुझे फोड़ डालेगा ये सारे के सारे। भाई साहब ये तो सीधा आसमान के ऊपर आ चुका है भाई, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चलेगा मुझे लग रहा है पूरा। इन लोगों का आर्मी देखो, ये देवता लोगों का आर्मी है पूरा। और ये जो हुकुंग है पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, पूरा आर्मी इसके सामने खड़ा है। मेरा मास्टर सुरक्षित धर्मरथ आवाज, मैं हमेशा अपने पहाड़ पे एक जी बन जाता था, आपसे और आपका थताकत या खूबियों से मुक्त, क्योंकि ऊपर वाले मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है ये मैं समझता हूँ, और तुम्हें और उन मूर्खों को भेजता है और मुझे फिर से और एक बार आज्ञा मांगने पे और धमकाने के लिए। मैं भी इसे समझता हूँ लेकिन मुझे जो समझ में नहीं आता है वो है ये, तुम कमीने मेरे जैसे सबको हत्या कर रहे हो। पीछे रहो कमीना कुत्ता। इसे चिन्हित करे, ये कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वो योग्यता का बंदर है। एक बार एक बंदर को बुद्धा बनाया गया था लेकिन मेरे अलावा और कोई इसे द्विधा उद्धा करने के लिए चुनौती नहीं कर सकता। लेकिन देखो मंकी, मुझे ऐसे कोई व्यक्ति के साथ लड़ना नहीं है जिसको मैं पहले ही सर्वश्रेष्ठ बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ऑफर है, यदि तुम हार जाते हो तो मैं तुमको कोर्ट पर लेकर जाऊँगा और वो सर रुकेगा और तुम्हारे पहाड़ को पूरा ही संतल करेगा।
और लेकिन मैं हार गया तो मैं बदला जरूर लूंगा, और फिर भी ये सब तुम्हारे पहाड़ को पूरा ही तबाह कर देगा। ये कितना ज्यादा दुखद होगा। हाँ, तुम हमारे कोर्ट के एक थे और हमें हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और क्या ख्याल है, आप घुटने टेके, जितने भी गलती है आपका वो सारे माने और हम इसको पीछे छोड़ देंगे। इन सभी वर्षों में और उस सुअर को छोड़ के आप वो है जो बहुत बड़ा कहानी सुनाता है। बहुत मनोरंजन हुआ मेरा। और मनोरंजन के बात करें तो क्या ये मजेदार नहीं होगा, मेरे नाश्ते के लिए आपके माथे के ऊपर जो आंख है उसको मैं निकल के ले लूं और बाकी दो मैं आपको रखने के लिए दे दूं, क्योंकि मैं आपको ये भूलने से नफरत करवाऊंगा कि कोर्ट का जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का ऐसे मैं व्रत करूंगा, वो नीचे वो ऊपर और वो तुम्हारा काला मटमेला। तुम सब मेरे पास आओ। या गाइस, अब तो तोड़ने वाला हूँ मैं। ये ले गाइस, ये जो हुकुम है ना, ये पूरा अमर है। आप लोग अच्छे से देखो, ये पूरा अमर है, क्योंकि इसका हेल्थ देखो, आप लोग इसका हेल्थ देखो, इसका हेल्थ ही नहीं है। बट उसका वो जो सामने फाइट कर रहा है वो देवता, उसका हेल्थ नीचे कम हो रहा है। और तीन दबाने से ओ भाई साहब, मेरा कितने सारे कॉफीज निकल गया। चल 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 चल, ओ भाई साहब, ऐसे ओ ओ ओ स्पेस दबाने से मेरा डॉट कर रहे हैं कैरेक्टर, और कितने सारे कॉपीज निकल गए इसका। चार के सर हुकुम के जैसे अभी भी मेरा बहुत सारे एबिलिटी है भाई साहब। क्या क्या एबिलिटी, ओ खुद ओ माय गॉड। विजयी हो दे तो बुद्ध, क्या आपको अंदाजा है कितने लोग खुद का अमर होने के लिए कितना कुछ दे देंगे। अमरता उस शब्द के लिए सभी लोगों और प्राणी ने खुद को बर्बाद कर लिया है। तुझे तो फोड़ दूंगा रे। रुक 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 भाई, बादल के ऊपर हम फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई, ओ भाई साहब, भाई 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 गॉड कसम भाई, ग्राफिक्स क्या खतरनाक है इसका। मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। मेरा मुझे मार के खत्म ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हेल्थ ही नहीं है। मैं पूरा अमर हूँ अभी। फिर से मेरा कॉफीज को मैंने बाहर कर दिया। ओ भाई, चल चल मार, सीमा बना इसका। ओ भाई, दिव्य दरबार के अंदर तुम्हारा स्वागत किया गया बेमन बंदर, लेकिन तुम अभी भी अदविया बने हुए, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मेरी भाई, आपका धार को निकालने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बैक स्क्रैचर की जरूरत थी। गाइस, आप लोगों को हिंदी में डबिंग कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ये मेरा खुद के अपने जैसा बनाया हूँ, डबिंग किया हूँ थोड़ा सा, मेरे खुद के मतलब जैसे मैंने डबिंग किया। डबिंग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना। अरे इसकी तो भाई, रुको रुको, मेरे पास अभी भी बहुत सारे एबिलिटी है। ओ, ओ भाई, ये चल भाई साहब, और एक एबिलिटी है मेरा। पैसा भाई, पैसा उछल हो गया मेरा, पैसा उछल हो गया सच्ची में। लिटरली मंकी किंग के अंदर तो पावर है भाई।
आर्मी को उलट पुलट कर दिया इसने तो भाई। जो गॉड खड़ा था, जो भाई मतलब बहुत सारे ताकतवर लोग खड़ा था, वो सारे भी नीचे गिर गया। अब पूरे सार के सारे देवता मंकी किंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पूरा अटैक मंकी किंग के ऊपर हो रहा है अभी। जो बोला वही करके डाला भाई सच्ची में। दुष्ट बंदर, तू मेरे कुल्हाड़ी को संभाल। भाई तुम इसे जंग कहते हो? यहाँ पर कुछ ज्यादा ही धूप है, तुम्हारा हिम्मत है तो तुम आ जाओ जंगल के अंदर। जंगल पे जाने के लिए बोल दिया मंकी किंग ने उसको। भाई 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 भाई, मतलब अबे जो मंकी किंग है वो खुद का उसका बॉडी को चेंज भी कर सकते है किसी पक्षी के ऊपर, और कोई पक्षी बन चुका है। और अबे मंकी किंग के ऊपर कुछ अटैक हुआ शायद। ओ भाई साहब, जो मंकी किंग के ऊपर जो हेड के ऊपर उसका जो बेल्ट रहता है ना, जो बूढ़ा ने दिया था उस पे भाई उसका जो भाई मुझे देखने के लिए मन जरा ही भाई। ओ पूरा पहाड़ तोड़ डाला उन लोगों ने जो बोला करके दिखाया भाई। और इस तरीके से सुंग होकों की आखिरी कहानी खत्म होती है। एक ऐसा नायक जो अपने स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, उन्होंने वृद्धत्म प्राप्त किया हाँ, लेकिन उन्हें दैवीय नियम बहुत ही ज्यादा बोझिल लगे, क्योंकि वो वापस आने के लिए और हमारे साथ साधारण जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। उसे कम ही पता था कि उसके ऊपर के जीवन को त्यागने के लिए उसका विश्वास को सिर्फ बढ़ावा दिया। नहीं, ये पत्थर इस पहाड़ के ऊपर अनगिनत दिनों से खड़ा है। मेरे उपवास के बाद से वो सारे कहते थे कि इस पत्थर के अंदर उसका आत्मा है, ना जन्म अमरता, ऐसे ही तो पत्थर के जैसा बंदर का प्रजातिया है। हालांकि उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसका आत्मा अभी तक कायम है। उन्होंने इनको 6 हिस्सों पे बदल दिया और उन्होंने छुपे रहने का विकल्प ढूंढने के बाद सारे अलग अलग रास्ते पे भाग निकले। लेकिन वो 6 हिस्से दुनिया के अलग अलग जगह पे है, फिर भी उन्हें कभी किसी ने भी किसी जगह पे नहीं देखे, सदियों से भी नहीं। मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, सारे देशों पे मैं नहीं जा सकता भी। लेकिन फिर भी आप में से कोई हो जो किस्मत पे है, जो उनके सारे टुकड़े हुए हिस्से को फिर से वापस लेकर आ सकते हैं, और उन सारे पहाड़ के ऊपर से उनके टुकड़े को वापसी लेकर आने के बाद उसको फिर से जिंदा करवा जा सकता है। ब्लैक मिथ वुकोंग पाई चैप्टर 1। और गाइस अब हमको जो पत्थर के अंदर मंकी किंग का आत्मा है, उस आत्मा को हमको बाहर करने के लिए जाना पड़ेगा और हमको बहुत सारे काम करना पड़ेगा भाई, मजा तो बहुत आएगा। चलो वो जो उस बुड्ढे का बच्चा था ना मंकी वाला, वो डंडा लेकर खड़ा था ना हाँ, उसको लेकर हमको खेलना पड़ेगा, और उसको लेकर खेलने के बाद हमको मंकी किंग को जिंदा करना पड़ेगा, और तब जाकर फिर से करने वाला है तबाही।
ओ जाते जाते पैर का उंगली कर लिया मैं बेकार, और मानव का जिंदगी है सब कुछ सोने का, हमारे घर से बेहतर कुछ नहीं है, हम मौत को धोखा देकर बरते हैं। अरे यहाँ क्या है देखो आप, वाह मेरा भाग्य कैसे आनंद दिखाता है मुझे। अच्छा अच्छा किस्मत करीब है ऐसा ना? लगते हैं ऐसे किसी पेड़ से वो गिर गया है। बहुत सही समय पे मुझे मिला। तुम डरपोक बदमाश हो एक नंबर। तुम मुझे बेवकूफ बनाने का हिम्मत की? मैं जरूर से कंफर्म करूंगा कि तुमको इस चीज का भाई। ये हमारा फास्ट फाइट है खत्म। भाई साहब तुम अब भी पहले के जैसा शरारती हो ना? ओके चलो 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 भाई। ओ जो दोनों आया था चूजा वो कहाँ से आया था भाई? उन लोगों को तो दो एक फटके पे खत्म कर डाला मैंने तो। अच्छा 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 ये करने से जंप करेगा ये, और ये करने से डॉच करेगा। ओके ओके चलो 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 चलो। और ये ले भाई, ये जो जाम करने वाला शॉट है ना, नेक्स्ट लेवल वाला भाई, खतरनाक वाला। इस पे तो खतरनाक लगता है जब शॉट करते ये वाला। ओ गाइस ऐसे हम तेज भाग सकते हैं, ऐसे हम धीरे भी भाग सकते हैं। बहुत सही भाई ग्राफिक्स, गेम का ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल भाई। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, गॉड कसम मैं अभी तक ऐसा कोई भी गेम नहीं खेला जिसके अंदर ऐसा ग्राफिक्स था। मेरा फर्स्ट गेम है जो ऐसा ग्राफिक वाला है। ओ भाई ओके अच्छा ठीक है चलो अब इसको। ओ ओ, ओ, ओ भाई लेफ्ट क्लिक करने से पावरफुल अटैक करता है ये मुझे समझ में आ गया है। ओके खत्म। इस डिब्बे से कुछ मिलेगा? जमाने से डिब्बा ओपन हुआ है मेरा, और इस डिब्बे से कुछ मिला है गोल्ड ऐसा कुछ, और ये कोई चमकता हुआ चीज मुझे रास्ता दिखा रहा है। चलो जाते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बाल नोच के यहाँ पर एक प्रस्ताव दे। ओए ओए रुको, ब्लैक मैथ के पहाड़ के राक्षस मैं आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ उनकी थूकती हुई छवि मैं कहूंगा। आगे की तरफ गुआमेन मंदिर है उस जगह पे। ये एक बार उपासकों से भरा हुआ था, इससे पहले कि वो इस आग से बर्बाद हो जाए। फिर मंदिर को फिर से बनाया गया, लेकिन मंदिर को फिर से बनाकर क्या फायदा? सारे के सारे इंसान तो जल के खाक हो गए हैं। लेकिन वो तुम्हें नहीं भूला है, नहीं भूला है अभी तक। ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। अरे बापू ने तो हमको अकेले छोड़ के चला गया भाई ये तो। ओ यहाँ पर ओ, रुको रुको इन लोगों ने पावरफुल अटैक करता हूँ मैं। नहीं मर जाऊंगा भाई, मर जाऊंगा, छोड़ दे ऐसा मत कर। रुक रुक ले यार तू मंकी किंग के बच्चे के साथ पंगा ले रहा है क्या तू? चल मेरे साथ पंगा लेगा तू? ओ भाई हम इस नीचे वाला तालाब है ना, ये बेंचमार्क के अंदर हम देख चुके थे भाई, शायद आप लोगों ने देखे थे पता नहीं, लेकिन ये वाला ही सीन होगा शायद, ये वाला ही सीन होगा। और ये यहाँ पर भी कोई इससे ना वो पावर वाला अटैक करते हैं, पावर वाला अटैक। और भाई सब एक शॉट पे, ये जो पावरफुल वाला अटैक है ना ये तो बहुत खतरनाक अटैक है भाई, एक शॉट पे मर रहे है तो। रुक रुक बेटे रुक, तेरा तो अब ये एक बार पे मरने का ऐसा नहीं है।
यहाँ पर कुछ मशरूम वगैरह है, इसको मैं उठाता हूँ। चलो 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 भाई शॉट ये ले ये ले ये ले ये ले 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 ऐसे ऐसे भाई अटैक, मुझे अटैक देखने पे बहुत मस्त लग रहा है। इधर भी कुछ चीज है, यहाँ पर कुछ फूल। कौन तू 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 कौन है तू? यार गलती से अटैक और किसी जगह पे चला गया, बट खत्म तो हो ही जाएगा रे, तू खत्म तो हो ही। ओ गाइस यहाँ पर मेरा जैसा देखने वाला कोई तो यहाँ पर खड़ा है। कौन है भाई तू? सेम टू सेम बंदर ही है ये, लेकिन भाग क्यों रहे तू? रुक रुक रुक, ओ ओ, ओ खाई है नीचे। ओ गाइस हम यार और इस तरफ और नहीं जा सकता, ये गेम का एक पार्ट था। आप लोगों को तो पता ही है ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, आप लोग पता है। और ओपन वर्ल्ड होगा, ओपन वर्ल्ड होता तो हम जिधर मर्जी उधर जा सकते थे, लेकिन ये ओपन वर्ल्ड नहीं है। बट यहाँ पर कुछ तो चीज़ मिला मुझे यहाँ पर। अच्छा चलो चलो फार्म करके कुछ मिला है इधर, और एक मशरूम है भाई। सामने की तरफ कोई एक भरे सा हवेली जैसा। ओ भाई ये जानवर कहाँ से आ गया भाई? ये पिंजरे पे घुसाओ भाई इसको, इसके साथ फाइट होने वाला है सर मेरा। ये नहीं है क्या? कुछ कर क्यों नहीं रहा है ये? नहीं 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 मारेगा मारेगा मारेगा, मैं सोचा मारेगा ही नहीं। रुक 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 रुक, तेरे को मैं कुछ नहीं बोल रहा। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मर जाऊंगा भाई मर जाऊंगा, छोड़ दे यार। गलत काम मत कर, मर जाऊंगा ऐसा मत कर भाई, भाई ऐसा मत कर, पाप लगेगा तुझे, सही बता रहा हूँ मैं। मार मत मार मत मार, ओ भाई साहब क्या खतरनाक डॉच किया। ओ लग गया बुरा लग गया भाई, बुरा लग गया मेरा। हेल्थ कैसे कर सकता हूँ? अच्छा आर दबाने से मेरा हेल्थ हो रहा है। ओ मर मत भाई, मार मत नहीं भाई, क्या खतरनाक तेरी अब भाई। मैंने अटैक किया, मेरा अटैक बेकार गया क्या? ओ माय गॉड, हाँ ठीक है बच्चे बच्चे। भाई 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 कान के नीचे ऐसे थप्पड़ कौन मारता है भाई, सही में बता। ऐसे नहीं भाई 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 भाई, गया। हेल्प जल्दी से हेल्प, अब तो तेरी तो नहीं। ओ यार डॉच करने पे मैं देरी क्यों कर रहा हूँ भाई? सब मरने वालों में से नहीं हूँ। भाग 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 भाग, तेरी तो मार 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 जल्दी। बहुत सही, अभी समय है, अभी ये लेट गया है। मार भाग भाग भाग, इसे बीते एक अरसा हो गया है। लेकिन इनविजिबल वेल अभी तक एक ही तरीका से काम करता है। क्योंकि आप माउंट हुवावर से है, आपको एक आसान तरीका से जादू सिखाने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका हाथ मुझे दो। ओ भाई हम लोग को कुछ नया एक एबिलिटी मिल चुका है, पंजा वाला। चलो ये वाला एबिलिटी भी हम यूज करेंगे। यदि आपका सामना किसी शैतान के साथ हो, बस सिर्फ आपका उंगली उसके तरफ उठाना और बस सिर्फ आप ये मंत्र जारी करना और आप उसे उसकी जगह पे जमा के रख सकते हो और आप आपका खुद को सांस लेने का समय दे सकते हो। दुख की बात है कि ये अपना एक मामूली सा चाल है, कुछ ही टाइम के अंदर इसका शक्ति फिर से खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा शैतान के साथ ये बहुत ही अच्छा है और ऐसे भी आप सिर्फ इसको एक आपका हाथ का एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं। नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, कोई सिस्ता सर नहीं जानता, लेकिन तुम डरो मत, आपका अपना नया जादू से इसको अच्छे से सबक सिखाओ। चलो चलो भाई, बापू ने आकर हमको कुछ एबिलिटी सिखा के गया, ये यूज करके देखते हैं। ओ भाई
ये वाला एबिलिटी उसको ना पूरा ही वो कर दे रहा है, जमा दे रहा है बर्फ से। बर्फ से नहीं, इलेक्ट्रिक जैसा कुछ चीज है। समय सो गया वो, सो गया। मार भाग भाग, डॉच कर। मर गया रे, मर गया भाई, मर गया। मुझे तो लग रहा है मैं खत्म। भाग, हेल्थ कर, फिर से हेल्थ कर, जल्दी से हेल्थ कर। ओके भाई, अभी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? कोई उल्टा सीधा ना बोले। ओह, खतरनाक शॉट। यस, फाइनली मैंने एक किंग बॉस को मार के खत्म कर डाला, पूरा इसको राख कर डाला मैंने इसको। भाई मैं सामुराई बन चुका हूँ। मुझे कुछ जादू जैसा कुछ नया चीज मिला है, इस तरफ जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे किसी एक जगह पे ना बैठ के पूजा वगैरह करना पड़ेगा, जिस पे दिल को सुकून या कुछ तो होने वाला है। उस जगह पे जाकर ही हमको पता चलेगा किस तरफ क्या होगा इस जगह पे। यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला। सामने की तरफ कोई तो खड़ा है। रुक, तुझे ना मैं पावरफुल वाला अटक देता हूँ। और एक बार पे मर जा, नहीं तो ठोक के मारूंगा। भाई बहुत सारे मशरूम मुझे मिल रहा है, मशरूम का काम क्या है पता नहीं, लेकिन अच्छा इधर नहीं जा सकता ना मैं, सामने की तरफ जाना पड़ेगा। पानी, तू कौन है रे? तू बंदर जैसा ही तो दिखता है, फिर भी मुझे मारने के लिए क्यों आ रहा है तू? ओह सॉरी गाइस, मैंने ना गलती से गलत रास्ते पे आ गया था। ओहो, तू अब ये ले, एक शॉट का है नहीं, और भाई छाती उठा के आ रहा है मुझे मारने के लिए, हिम्मत तो नहीं है गाइस। मुझे ये जगह देखा सा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला जगह ही मैंने बेंचमार्क के अंदर देखा था। हाँ कन्फर्म, ये वाला जगह ही बेंचमार्क के अंदर हम लोगों को दिखाया जा रहा था, और सेम इसी जगह के अंदर हम आ चुके हैं जिस जगह पे बेंचमार्क पे दिखा रहा था हम लोगों को। ग्राफिक्स तो सही है, इधर कुछ होगा क्या? बुद्धा का यहाँ पर कुछ स्टैचू बना के रखा है, आग जल रहा है इधर। और भाई साहब ये सारे दाना भी था ना शुरू पे, गेम के शुरू पे ये सारे दाना भी था। कौन है रे तू? कौन चिल्ला तू ये रहा? तो मैं तुझे ये ले, एक 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 शॉट का है नहीं, चौरा बनने के लिए आ जाता है भाई। ये वाला दाना भी था उसी जगह पे था, ये वाला दाना भी था। और ये देखो, ये है भूता। ओ चल मंकी चल, यहाँ पर कुछ उठाता भी है। पता नहीं ये सारे सामान उठाने के बाद मुझे किस चीज़ का काम पे लगेगा, बट उठा लेता हूँ। ओ इस जगह पे होने वाला है वो वाला चीज़, ये वो वाला टेम्पल है ना। हाँ, चलो इस जगह पे बैठते हैं और दिल को ठंडक करते हैं। तो ये जब तक भाई यहाँ पर वो उसका खुद का ध्यान लगा रहे, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को सारे के सारे पार्ट इसका देखने के लिए मिलेगा और हिंदी डबिंग पे मिलेगा। आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग जल्दी से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ। तो यार मेहनत तो करना बनेगा ना, आप लोग प्यार दिखाओगे तो आप लोगों के लिए तो सब कुछ करना बनेगा। तो भाई इसका ध्यान कुछ तो कर रहे हैं, मंकी किंग नहीं है ये, उसके जैसा ही है। चलो सब कुछ कंप्लीट हो गया इसका। ओह मेरा हेल्थ भी फुल हो गया है, लेकिन मुझे मेडकिट करने के लिए वो नहीं दिया गया। इसको तोड़ सकते हैं हम? ओहो भाई इसको हम तोड़ रहे, तोड़ने के बाद कुछ तो मिल रहा है हमको। किस तरफ जाओ भाई? कोई भाई खरगोश रुक जा, तुझे मारता हूँ। नहीं मार सकता इसको। ओह गाइस शायद इधर जाना पड़ेगा। हाँ, इधर ही जाना पड़ेगा, रास्ता दिखा रहे। कुछ है यहाँ पर, कर सकता हूँ क्या उसको? ना ये कुछ ऊंचे ज़्यादा लगा रहे हैं। ओह गाइस इधर, मुझे इधर जाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे कोई कुछ लाइट का चीज़। यहाँ पर वो वाला चीज़ फिर से आ चुका है, ये वो एक फास्ट ट्रेवल जैसा है, जिन लोगों में बता देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है, एक फास्ट ट्रेवल जैसा है।
उसका बाल से कुछ अगरबत्ती बनाने के बाद इसको लगा जब ही दे रहा है ना, तब ये जो फास्ट ट्रेवल है ये एक्टिव हो रहा है, ऑन हो रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ देखने को मिला। इससे क्या कर सकते हैं, हम सो सकते हैं, मतलब सो के रेस्ट कर सकते हैं। इससे रेस्ट करने के बाद जितने भी हेल्थ वगैरह है वो सारे मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा यहाँ से। ओह गाइस, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो एबिलिटी है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। हम लोगों का एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और एबिलिटी को एक को ना इंक्रीज करके देखता हूँ क्या होता है। वो कुछ तो मिला है मुझे, वो हेल्थ को इंक्रीज और नहीं होगा। समझ में आ रहे, तुम्हारा भाई कुछ तो पाल वर्ल्ड वगैरह खेला था तो पता तो है इस सब चीज़ के बारे में। यहाँ पर कुछ है, बाय सेल का चीज़ आ चुका है, मैं कुछ खरीद भी सकता हूँ यहाँ से। इस हेल्थ वगैरह का चीज़, इस स्टेमिना को इंक्रीज करने का चीज़ यहाँ से परचेज कर सकता हूँ। बट अभी तो हमको फाइट करना है, फाइट। Hey, witch! You don't think you can just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it soon. गाइस, बापू ने मुझे कुछ छरी घुमाने के बाद जादू करके मुझे एक कीड़ा बना दिया। भाई बापू, आपने तो क्या कर डाला मुझे। ब्लैक विंड माउंटेन, देयर आर सीक्रेट्स गैलोर, द सिकाडा फॉर्म, दे हेल्प यू एक्सप्लोर, बट दिस फॉर्म डज नॉट लास्ट फॉर एनीथिंग लेफ्ट, शुड यू फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट जस्ट फॉलो माय वॉइस, ऑफ यू गो। ओह गाइस, बापू ने मुझे जो बना दिया, दादाजी ने मुझे जो मक्खी बना दिया, इस मक्खी से मैं मुझे उन लोगों से फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उन लोगों से ना फाइट करके ही मैं डॉच करके आ सकता हूँ। लेकिन मैं मक्खी से इंसान कैसे, सॉरी बंदर कैसे बनूँ? फोर, अच्छा ओए, मक्खी बनना है मुझे, मक्खी बनना है। ओह नो, वो एक ही बार था। ये वाला एबिलिटी यूज करने के बाद तेरे ऊपर मैं ये पावरफुल अटैक करूँगा। भाई हिल भी नहीं रहा है ये, हिल मर जाऊंगा मैं। सांस लेने थे भाई, सांस मर जाऊंगा। ओ भाई, अटैक पूरा मेरे ऊपर लगा। ये डिब्बा मुझे लूटना है, तू डिब्बा को गार्ड क्यों कर रहा है भाई? मोटे मर जाऊंगा बे, ऐसे मत मर। चलो मर चुका है। डिब्बे को ओपन करके देखते हो इससे क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, क्या है अंदर इसका। ओह, वो सारे सामान ही है जो पहली बार में जो डिब्बा लूटा था ना, सेम उस तरीके से चीज है। ये ले भाई सर। ओह, मर जाऊंगा। नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं, वो कोई कुछ बो वगैरह चला रहा है। हेल्थ कर मंकी किंग, हेल्थ कर जल्दी से भाई साहब। ओ गाइस, ओ ये बहुत सही चीज़ है भाई, ये बहुत सही चीज़ है। मैं इससे जो एबिलिटी मैंने अभी अनलॉक किया ना, वो ये एबिलिटी इस चीज़ का काम करता है। और तेरी रुक, तू मेरे पर बो मारेगा? मेरे पास बो रहता तो मैं इससे धूल से ही धो डालता। और पानी में गिर गया मैं। यहाँ पर कुछ तो, ओ तुम लोग बेटे, भाई कहाँ, ये कुछ बोल नहीं रहा, क्या सोच रहे तुम लोग? दोनों को साथ पे मारूंगा। ओह चलो, अपग्रेड हो गया, 4 लेवल पे आ गया मैं। चलो तुम्हारा भाई प्रो बन रहा है, प्रो धीरे धीरे। हेल्थ कर लेता हूँ, हेल्थ को पूरा फुल कर लिया मैंने, हेल्थ को पूरा ही फुल कर लिया। और यहाँ पर भी कुछ सामान, जो 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 चीज़ मुझे मिल रहा है वो सारे मैं उठा के जा रहा हूँ भाई।
फ्यूचर पे काम पे आ सकता है ये सारा सामान। भाई रुक, तेरा बाप है उधर और तू इधर, क्या कर रहा है तू? एक ही शॉट का नहीं है और कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पर क्या चीज देखा भाई? ये दादाजी कौन है? ओए इसको मारना पड़ेगा मुझे भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इसके साथ फाइट? चलो पीछे से जाकर एक धप्पा मारूंगा चार्ज करके। और नहीं भाई नहीं, गलती से और किसी जगह पे अटक कर डाला। मर जाओ भाई, क्या गंदा अटक कर रहे हो तेरी। मर जाऊंगा, छोटा बच्चा हूँ मैं, छोड़ दे, तू मुझे मारेगा। नहीं भाई, उसका भाई उसका एक पैर लग गया तो मैं खत्म, मेरा आधा हेल्थ चला गया। आया मैं गया, मुझे पता था फाइनली तुम्हारा भाई एक बार मर चुका है। एक मोटा सा दादाजी जैसा कोई तो था भाई, उसके हाथ पे कोई घुंघरू जैसा कुछ चीज है, उससे भी अटैक कर रहे हैं और उसका पंजा एक पैर मार रहा है तो जमीन टूट के ऊपर की तरफ आ रहा है। और मैं बोला ना गाइस ये फास्ट ट्रेवल का काम करेगा, मैं इस जगह से इस फास्ट ट्रेवल को मतलब ये जो भी है इसको मैंने अनलॉक किया इसलिए इस जगह पे मैं लैंड कर दिया मरने के बाद। चलो गाइस फटाक से ना एक बार मैं रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करने के बाद फिर से जाऊँगा उसके साथ फाइट करने के लिए। एक बार सोकर रेस्ट कर लेता हूँ जिससे मेरा जितने भी हेल्थ वगैरह जितनी भी सारी चीज़ है वो सारे फिर से रिकवर हो गया है। अब सामने की तरफ कुछ तो लोग हैं, इन लोगों को एक पावरफुल अटैक करूंगा। चूजे लोग तुम लोगों को, ए तेरी, दोनों को साथ साथ में मारूंगा दोनों को। घूर जाओ भाई लोग नहीं तो खत्म हो जाओगे। इसको तोड़ता हूँ, इससे भी कुछ सामान मिलता है, सारे के सारे जितने भाई सामान। सामने भी कोई एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है, इसको भी मैं चार्ज करके मारूंगा। और भाई साहब खत्म भाई, इससे पंगा नहीं लेने हाँ। इससे पंगा लूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। तू तो एक शॉट का है, इस बार क्यों नहीं मरा, मर जा। चलो गाइस इससे मैं अभी पंगा नहीं ले रहा, इस तरफ मैं जाता हूँ भाई। इस तरफ रास्ता तो कुछ तो दिखा रहा जा रहा है, हाँ इधर तो कुछ हवेली जैसा एक टेम्पल जैसा कुछ तो दिख रहा है। वो देखो तीर वाले भैया, तुम मार क्यों रहे हो मुझे? मेरे पास बो रहते ना तो मैं उसको ऐसे दूर से मार देता, बट इधर तो ओ भाई यहाँ पर भी एक बॉस है गाइस, यहाँ पर भी एक नया बॉस है और इसके साथ मेरा फाइट होने वाला है। Another monkey I see. Why don't you lay down your weapon and join me in goodness mercy? What say you? चलो गाइस नया बॉस मुझे देखने के लिए मिल चुका है, इसके साथ फाइट करने वाला हूँ। इसके साथ फाइट करके क्या होगा आई डोंट नो। ओ मर जाऊंगा, इसके अटैक से मुझे डॉच करना पड़ेगा। मुझे भी मारने का मौका दे। ओ भाई ये जो अटैक करना है इसका अटैक से मेरे बॉडी के ऊपर आग भी लग सकता है। ओ भाई ये इससे पहले वाले बॉस से भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। मुझे सही से डॉच करना पड़ेगा, मेरा स्टेमिना को बचा के डॉच करना पड़ेगा। अभी समय मेरा है, बहुत मार लिया तुमने। भाई उसका हाथ पे जो है ना वो डंडा वगैरह कुछ तो है, उससे मुझे ओ मैं मरूंगा सही बता रहा हूँ। हेल्थ कर जल्दी से बहुत सही। चलो पूरा हेल्थ खत्म और चल डॉच सही से करना पड़ेगा। ओ भाई ओ माई गॉड ये कैसे अटैक कर रहे भाई इसका, ये तो अटैक क्या स्लो मोशन पे। गया मैं। ओ मेरे पास तो ये वाला एबिलिटी है ना, मैं तो भूल ही चुका था। और ये ले ना
ओ, ये क्या क्या अटक करे मेरे ऊपर? नहीं नहीं, ओ, क्या क्या उल्टा सीधा, बहुत कर लिया तूने अटक। अब डॉच कर, डॉच कर, जल्दी से डॉच कर। ओ नहीं नहीं नहीं, अटैक मत कर, अटैक मत कर, मत कर, हेल्प कर, हेल्प कर, जल्दी से हेल्प खा, जल्दी से हेल्प खा। ओ भाई भाई, ये निंजा हथौड़ी क्या तेरी? मैं अब मेरी बारी है। नहीं नहीं नहीं, आग लग चुका है मेरे ऊपर, आग लग चुका है, हेल्थ खत्म मेरा, मैं हेल्थ नहीं कर सकता, मैं हेल्थ नहीं कर सकता, खत्म, मैं खत्म खत्म खत्म। ये बोले एबिलिटी यूज करता हूँ इस समय पे, ये बोले एबिलिटी यूज करने के बाद इसके ऊपर मारता हूँ फटका। भाग 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 भाई, ये तो अटैक गया मैं, और थोड़ा सा हेल्थ है मेरे अंदर, और आग लग चुका है मेरे अंदर। रुक 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 रुक, अब मेरा बारी है, मुझे मारने दे एक बार, खत्म, फिर से मर चुका हूँ गाइस। इसे मैं अभी मार ही देता, पूरा कंप्लीटली मार देता, लेकिन थोड़ा सा चीज के लिए मैं मर गया। चलो फिर से मुझे सामने से आना पड़ेगा, जिस जगह पे मैं मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टेबल को अनलॉक किया था, उस जगह से मुझे फिर से इस जगह पे आना पड़ेगा। तो ओके गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ इस जगह पे, इस बॉस के पास फाइट करने के लिए। इससे पहली बार तो भाई मार खा चुका था, लेकिन इस बार तो मैं इसको मैं धोने वाला हूँ। आ जा, मुझे सही से डॉच करना पड़ेगा इसका अटैक से, मुझे सही से डॉच करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार खा जाऊँगा। मेरा बारी है, मेरा बारी नहीं, इसका ना वो चाकू से ना आग निकल रहा है, वही सबसे दिक्कत चीज़ है, वो आग से मुझे बहुत सही डैमेज लग रहा है। स्टेमिना खत्म हो चुका है मेरा, चलो मेरा एबिलिटी यूज करता हूँ। चलो अब मेरा बारी है, तुम बहुत मार लिए मुझे, डॉच कर, डॉच कर, सही डॉच कर, सही सही डैश कर, डॉच कर। ओ भाई डॉच तो सही कर रहा हूँ, ये अटैक बहुत गंदा अटैक है भाई, फटाक से जाता है और फटाक से आ भी जाता है। डॉच करना पड़ेगा नहीं तो मरूंगा। चल अब मेरा बारी, नहीं नहीं मेरा बारी नहीं था, मेरा बारी नहीं था यार, हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प कर, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब मेरा बारी, ये ले, चल नहीं नहीं, बॉडी पर आग लग जाएगा तो बहुत गलत सीन हो जाएगा, हेल्प कर, खत्म गाइस, फिर से खत्म। मैं यार छोटा सा गलती के लिए मर गया।
फिर से इस जगह पे मैं रिस्पॉन हो रहा हूँ और इस जगह से मुझे फिर से सामने की तरफ जाना पड़ेगा। और इस बार ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ही जाऊँगा क्योंकि मेरा हेल्थ वगैरह बहुत कम हो गया था और सब कुछ ठीक कर लेता हूँ पूरा चेक, मतलब जितने भी मेरा एबिलिटी वगैरह था वो फिर से रेडी हो चुका है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सामने की तरफ कुछ बदमाश यहाँ पर रहेगा, इन लोगों को मैं चार्ज करने के बाद और ये वाला अटैक करूँगा। एक एक अटैक मरेगा और अटैक मेरे साथ फाइट करने का आएगा भाई, हरा में लोग कर नहीं सकता फाइट सामने की तरफ। और एक है, इसको फटाक से मारता हूँ, इसको भी चार्ज करने के बाद। अब ये ले भाई, ये चार्ज वाला अटैक बहुत सही, बहुत सही है, बहुत सही है। चलो सामने की तरफ जाता हूँ, ये वाला एबिलिटी में एक बार यूज़ करके देखता हूँ, ये वाला एबिलिटी यूज़ करके देखता हूँ। ओह भाई, इस एबिलिटी से मर भी कर रहा है ये, तो मार रहा है। तो तुझे मौका दिया मैंने, मारने का मौका दिया तो इसलिए तू मुझे इतना ज़्यादा मारेगा। चलो 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 चलो, उस बॉस के पास फटाक से जाते हैं जिस बॉस के साथ फाइट मैं नहीं कर पा रहा ठीक से। और देखो भाई, पीछे बो वाले ना बहुत हरामी है, पीछे से मुझे बो मार रहा था। आजा आजा, चल आजा, अब तो आजा, तू देख लेते आजा। सीधा जाने के बाद ना एबिलिटी यूज़ करूँगा और तेरे ऊपर जाकर ये वाला पावरफुल अटैक मारूँगा। ये ले, बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, ले ले ले, मार मार मार। जब ना मैं डॉच करने के मूड पे रहूँगा तब मारियो। ओ भाई सच्ची में मार दिया इसने तो। भाग जल्दी से मंगी थी के बच्चे, क्या बॉडी पे आग लगा रहा है, ये सबसे गलत। मर गया मर गया मर गया ऐसा लग रहा है। जल्दी जल्दी हेल्प कर, चल चल हेल्प फुल हो चुका है। मैं ये समय तो गलत नहीं था, डॉच कर डॉच कर, सही सही डॉच कर। देखो 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 देखो, ये देखो देखो अटैक, इतना अलग अलग अटैक कर रहे। चल चल चल, चल। बहुत हुआ, स्टेमिना खत्म हो गया है। आग क्यों लगा रहे थे बॉडी पे? फिर से ये वाला अटैक यूज करूंगा और ये मारूंगा फटका तेरे ऊपर। डॉच कर सही सही डॉच कर। ओह ओह ओह, क्या खतरनाक डॉच किया मैंने, क्या खतरनाक डॉच किया। चल 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 चल। ओह भाई ओह भाई, गाइस गाइस गाइस, हेल्थ बहुत कम हो चुका है इसका और थोड़ा सा मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। ओह खतरनाक डॉच करना पड़ेगा, खतरनाक डॉच करना पड़ेगा। मैं फटका मार मार के फटका मार, नहीं नहीं नहीं, डॉच करके मार रहे। बहुत सही बहुत सही, उसका डंडे से बच चुका हूँ और थोड़ा सा हेल्थ है भाई इसका मुझे, और थोड़ा सा। ओ नो 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 नो, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। ओ भाई साहब, ये वाला अटैक दूंगा और ये जाने के बाद और ये मारूंगा। यस यस, फाइनली भाई इस चूहे को मैंने मार डाला। ओ भाई, मास्टर स्पोक ऑफ यू डेस्टिनी वन। भाई मुझे मुझे क्या बोला गया कि ये जो भेड़िया जिसके साथ मैं फाइट कर रहा था ना, वो उसका एबिलिटी, मतलब वो मेरे अंदर आ चुका है। देखो उसका जो स्लॉट था, उसका जो हथियार था, उसका जो बैट था, वो मुझे मिल चुका है। ओ भाई साहब, भाई देख सकते हो उसका जो एबिलिटी है मेरे अंदर आ चुका है, उसका जो बैट था वो भी मुझे मिल चुका है। ओ भाई, मुझे किसी जगह पे एक बेल बजाने के लिए बोला है, बट बेल इस जगह कहाँ पर है भाई? भाई कितना मेहनत करने के बाद तब जाकर मैं इसको मार पाया, कितना ज़्यादा फाइट करना पड़ा। ओह लिटरली लिटरली भाई, कितना लंबा टाइम तक इसके साथ फाइट चला मेरा। भाई साहब बेल क्या ये वाला ही है? एक मिनट, हाँ ये तो एक बेल है, बजा के देखता हूँ। एक मिनट, कुछ भी तो नहीं हुआ। बेल had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guais will surely be alarmed. Oh, भाई, चलो 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 चलो, अब सामने की तरफ मुझे जाना पड़ेगा।
उससे पहले ना मुझे मेरा हेल्थ को ना रिकवर करना पड़ेगा, और मेरा हेल्थ को रिकवर करने के लिए मुझे मेरा उस जगह पे जाना पड़ेगा। उस तरह जितना भी हेल्थ वगैरह होगा वो फिर से मुझे वापस मिल जाएगा और मेरा पावर भी मेरे पास फिर से आ जाएगा। तो मैं फटक से एक बार रेस्ट कर लेता हूँ। तो रेस्ट करने के साथ साथ सारे चीज़ मुझे मिल चुका है। क्या करते रहता है, क्या सोचता है, यहाँ पर कुछ उठा लेता है वो। भाई मैं इसको मारने का बात कर रहा था, इसके साथ एक बार पंगा लग के देखते हैं। नहीं फाइट कर पाएंगे तो तब चले जाएगी ऐसे, नहीं तो इसको मारने का एक बार कोशिश करते हैं। इसको मारना तो बनता है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। और चार्ज करने के बाद ऐसे ऐसे भाग 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 भाग, पागल बन चुका है। चलो चलो चलो, वो भेड़िया वाला एबिलिटी मैंने यूज़ कर लिया। ओ भाई इस मोटे के अंदर कितना पावर है। चल चल चल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसके अंदर पावर तो रो रहा है गाइस, ये रो रहा है, रो रहा है। चलो चलो मेरा एक, ओ नो 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 नो, भाग 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 भाग, हेल्थ कर हेल्थ कर, जल्दी से हेल्थ कर, जल्दी से। ओ भाई इसको इसको मारना, मतलब फिर से चार्ज हो रहा है इसका। ओ भाई चप्पर मार रहे हैं, तो आंख नहीं है, आंख बंद करके फाइट कर रहा है। बच्चे गाय का, बच्चे का जैसा रोता है, इसको ज़्यादा मारने के बाद ना ये बच्चे जैसा रोता है। अटैक तो बहुत खतरनाक खतरनाक। ओ एक बार पे मेरा आधा हेल्थ गया, मैं गया। जल्दी से हेल्थ कर, जल्दी से हेल्थ कर, ये वाले एबिलिटीज के अंदर यूज करूंगा और जल्दी से जाकर ऐसे मारूंगा। ये जब लेट जाएगा ना तब खतरनाक से मार सकते हैं। ओह माय गॉड, गुस्सा बहुत है इसके अंदर, गुस्सा बहुत है भाई इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, मुझे पता था एक थप्पड़ का मैं बंदा था, मुझे मार दिया था। लेकिन इसका हेल्थ मैं आधा खत्म कर चुका हूँ, इसका हेल्थ मैं आधा तक खत्म कर रहा हूँ, बट इसके साथ पंगा नहीं लेने का। तो इसके साथ तो मुझे पंगा नहीं लेने का, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। हाथ पे जो घुंघरू है ना भाई उसका, वो ज़मीन के अंदर दे रहा है, तो जो पूरा मिट्टी है ना वो ऊपर की तरफ उठने के बाद पूरा एक आग के जैसा कुछ हवा जैसा आ रहा है। आने के बाद मेरे ऊपर एक खतरनाक सा शॉट लग रहा है, जिससे बहुत खतरनाक डैमेज लग रहा है। मतलब शुरुआत पे इतना जाइंट जाइंट मिल रहा है, तो ज़्यादा जितना अंदर जाऊँगा उतना ज़्यादा मुझे जाइंट देखने के लिए मिलेगा, लिटरली लिटरली। ओहो मैं किस जगह पे आ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ ब्रीज वगैरह बने हुए हैं। धीरे धीरे, ओह भाई ब्रिज टूट गया था अभी। नहीं 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 नहीं, भाई गिरते गिरते बचा मैं तो। ब्रिज टूट रहा है या मेरा डंडे से लग गया है, टूट रहा है? नहीं भाई मेरा डंडे से, रुक रुक खरगोश रुक, सामने सामने एनिमी है, सामने है। चलो चलो इसको ना मैं पावरफुल एक अटैक शॉट देता हूँ चार्ज करने के बाद, और ये वाला अटैक। तू रुक भाई, वो जो वो मारने वाला है ना, वो उसका बंदे के ऊपर ही वो मार रहा है। वो कितना शॉट मार रहा है, मैं डॉज नहीं कर रहा, तो क्या हल्के से ले रहा है तू मुझे। चल चलो इसको मैं, अरे रुक जा रे। चलो खेल खत्म इसका, इसने तो उसको एरो से मार मार के खेल खत्म कर दिया उसका। ले ले ले, बहुत शौक है इसका एरो मारने का, बहुत शौक है, बहुत शौक। फालतू पे मेरा हेल्थ खत्म हो गया यार, रुको। ओ अरे चलो चलो चलो, अंदर की तरफ जाते हैं, फटक से अंदर की तरफ जाते हैं। Don't want to set off that beast. In the backyard is Black Wind Gwai's ally, calls itself Ling Shutsa. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. Oh,
भाई यहाँ पर एक है, इसको मैं जल्दी से अगरबत्ती बनाने के बाद जल्दी से इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ फटाक से, और मेरा जितना भी हेल्थ है उसको फिर से मैं रिकवर कर लूँगा। मैं इसको एक बार रेस्ट पे कर देता हूँ, रेस्ट करने के बाद हेल्थ को फिर से मैंने रिकवर कर लिया। यहाँ पर कुछ नया चीज़ आया है, इसको मैं अनलॉक करके देखता हूँ। ओ एक अनकमल, मुझे एक हेलमेट मिला है जो डिफेंस इंक्रीज करेगा 8%। इसको मैं लगा लेता हूँ, 8% डिफेंस देगा मुझे हेड से। चलो चलो, इसका मुंह तो देखने पे बहुत क्यूट सा लग रहा है। एक मिनट, मैं ना एक बार बाहर जाता हूँ, इसका मुंह दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो देखो देखो, हेलमेट से इसका मुंह बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है। मंकी किंग के हेड पे जो रहता है ना वो भला ही है। यहाँ पर जितने भी सामान है वो सारे मैं फटाफटा से लूट लेता हूँ, क्योंकि सामान की ज़रूरत होगा। और जितना सा चांस है, ये जो बोल के गया सामने की तरफ कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ होने वाला है, बापू ने जो बोल के गया अभी सच्ची में सामने की तरफ कुछ ना कुछ तो खतरनाक होगा। तो जितने भी सामान मुझे मिलता है इन ज़्यादा से मैं सारे उठाता हूँ, नहीं तो बाद में भाई तकलीफ हो सकता है, बाद में मुझे फ्यूचर पे मुझे दिक्कत हो सकता है। अभी जितने भी सामान मिलेगा उस सारे मैं उठा लेता हूँ फटाफट फटाफट। यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिला है, इस चेस्ट को अनलॉक करता हूँ। शायद इस चेस्ट से कुछ अच्छा चीज़ तो मिलता ही है चेस्ट को जब भी अनलॉक करता हूँ। चलो एक चीज़ तो गोल्ड जैसा कुछ अच्छा चीज़ मिला है। तो Once you pass that gate, there's no turning back. अरे बापूजी देखो ना क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ओ भाई क्या, ये क्या चीज है, भेड़िया है ये तो एक। ओ माय गॉड, मुझे ये वाला बनना ही पड़ेगा, ये वाला बनना ही पड़ेगा मुझे। रुक, भेड़िया रुक, इतना भाव मत कर, अभी शाम भी नहीं हुआ, इतना भाव मत कर, तार के रख दूंगा मैं, माउस छोड़ दूंगा मैं, तुझे मारूंगा फिर छोड़ूंगा। चलो, फाइनली इसके ऊपर ना आग लग चुका है, और इसको जमाने के बाद ये मारूंगा। चलो हेल्प कर। अरे नीचे आ बच्चू, नीचे आ जा, मारूंगा नहीं, आ जा, अले, अच्छा कुत्ता, आ जा। ये क्या कर रहा था, अरे भाग क्यों रहा है कुत्ते, आ जा। ओ भाई क्या खतरनाक, नो, हेड उन्होंने काट रहा है तो नहीं नहीं मरूंगा। चल मार नहीं यार, मर गया मैं, ते सोचा था इसको मार दूंगा। ओ भाई इसको तो मारना चाहिए था, छी यार क्या कर डाला मैंने। अरे भेड़िया तू नीचे ही है, तेरा हेल्थ रिकवर हो गया? हाँ हेल्थ तो रिकवर हो चुका है। चल जब मैं ले भागी मत, अच्छे कुत्ते कभी भागता नहीं। ओ इसके अंदर पावर आ गया, ठीक टाइम पे ना मुझे डॉच करना पड़ेगा, तब जाकर इस भेड़िया को मार सकता हूँ मैं। भाई देखने पे क्या डरावना है, काटता है, इसका दांतों में ना जहर है। ओ, अब मुझे ये बनना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, तेरी कैसे की तैसे, करीब आना भाई, इतना दूर क्यों रहता है, करीब आ। तेरे बॉडी पे ना बालों की कमी नहीं है, तेरे अंदर ना मैं थोड़ा सा आग लगा देता हूँ, एक बार आग लगाऊंगा। आजा, अच्छे बच्चे इसका लग गए आग लग गया इसके अंदर, बोलूंगा नहीं तुझे। अरे फिर से भागते क्यों भागता है, आ जाना। चल जल्दी से हेल्प कर। ओ माय गॉड, काटता है गंदा कुत्ता, काटना नहीं चाहिए ना। चल ये
ये लो काटना नहीं चाहिए ना, मना किया ना, अब फिर से भाग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुत्ता कभी भागता नहीं है, आजा। अच्छा 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 अच्छा, ऊपर कूद मत जाइयो, मुझे पता था ऐसा ही कुछ करेगा, बहुत गंदा है तू। ओ माय माय माय, भाई 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 भाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, फिर से हेल्प करने दे, फिर से हेल्प करने दे, बस बस बस, हेल्प रिकवर हो चुका है मेरा। शिट तो मैं हाथ चाटने का टाइम नहीं मिला, अभी मिला तुझे हाथ चाटने का टाइम, हाथ चाटने का टाइम। इस बार तू कहाँ जाएगा बच्चू, रुक, चल इस बार तू खत्म खत्म। यस यस, मैं बोला ना नेक्स्ट टाइम इसको जरूर से तोड़ दूंगा। वाह रे, कितना बड़ा था ये। Now that it's dead, you might as well take a good look around. A great pill the Black Wing Guai had gifted the wolf. Finding it would be a deserving reward for that fight. इसके पास कोई कुछ अच्छा चीज कोई किसी ने दिया था और वो चीज मुझे लेना पड़ेगा किसी जगह पे। ये इसके पास कोई एक अच्छा चीज है और ये इसका घर है, तो इस जगह में, इस जगह से मुझे उसका वो जो चीज है मुझे लेना पड़ेगा, जो बहुत सही चीज है, मेरा बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर इस चेस्ट से तो मिलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि रास्ते पे आने के टाइम ऐसा चेस्ट तो मैंने बहुत सारे अनलॉक किया था। ना ना, नहीं मिला मुझे कोई अच्छा चीज। इसको तोड़ सकता हूँ, तोड़ तो सकता हूँ, लेकिन कहाँ पर छुपा कर रख सकता है, आई डोंट नो। लेकिन अंदर की तरफ जाता हूँ मैं। ओए, यहाँ पर कुछ तो मोमबत्ती वगैरह जल रहा है। ना ना, इस जगह पे तो कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ तो है शायद। वो बोले ये मिल चुका है गाइस, मिल चुका है, वो वाला चीज़ मिल चुका है जो चीज़ की मैं तलाश कर रहा था। और इससे मेरा हेल्थ हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, मेरा हेल्थ इंक्रीज हो चुका है, अब मेरा हेल्थ जो था उससे और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब तो मैं और भी आराम से, बहुत आराम से सबको मार सकता हूँ, लेकिन इसके बाद जितने भी आएगा और भी ताकतवर आएगा। इसको मैं जल्दी से, मेरा बाल निकल के एक अगरबत्ती बनाने के बाद इसको भी मैं एक्टिव कर लेता हूँ, जिससे मैं मरूँगा जब इस जगह पर आकर रुकूँगा। चलो, इसको भी मैंने कर लिया, तो अब ना मैं थोड़ा सा मेरा स्किल को ना वो कर लेता हूँ, मैं एक बार रेस्ट ले लेता हूँ, जिससे मेरा हेल्थ वगैरह सब कुछ रिकवर हो जाएगा। बस मेरा हेल्थ अब रिकवर हो चुका है ना, अब तो मैं वो कर लेता हूँ, मेरा जितने भी एबिलिटी वगैरह है ना। इस जगह पे कुछ मुझे मिला है, ओ इसका ये जो मैं अभी जो डॉगी को मारा ना, हाँ हाँ हाँ, उसका मुझे एक मिला है। इसका डिफेंस देखो 10% है, लेकिन इस मुकुट का भाई 10% नहीं है, इसका 8% डिफेंस है। यही सही है, इसको मैं लगाऊंगा। चलो चलो, इसको मैंने लगा लिया। सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही भाई साहब। मैं यहाँ से मेरा जितने भी एबिलिटी है ना, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला एक नया एबिलिटी अनलॉक होने वाला है, इसको मैं लेकर देखता हूँ। इसको ले लिया, यहाँ से मुझे कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओ ओ, 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 ओ बहुत सारे नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं नहीं मुझे ना मेरा ना हेल्थ को रिकवर करना होगा, मेरा हेल्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा मैं हेल्थ को रिक्रीज करूँगा। चलो, मेरा हेल्थ को मैं बढ़ा रहा हूँ, फुल कर लूँगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा। और देख सकते हो मार्क्स कितना खतरनाक लग रहा है, इस भेड़िया का ही मार्क्स सही है। ओ चलो, अब सामने की तरफ जाते हैं, देखते हैं और कौन सा क्या खतरनाक है जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ क्या नहीं। इसको तोड़ा, यहाँ पर कुछ चूजे लोग हैं, जिन लोगों को तो मैं एक ही फटके पे मारूंगा। ओए पीछे देख, बच्चे ऐसे खेलता नहीं है, बच्चे लोग ऐसे खेलता नहीं है। खत्म। और कौन है, और कौन है, आजा आजा, किसको आना है। तू थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा लग रहा है मुझे, आजा। थोड़ा सा तो पावरफुल नहीं था, थोड़ा भी पावरफुल नहीं था। सामने की तरफ कुछ तो है, तू कुछ चुप रहा है, ज्यादा बक रहा है, बक 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 करते रहता है। यहाँ पर कौन सा चीज है भाई ये, तो मुझे मारने के लिए है। चल, मुझे मारने के लिए खड़ा था तू, तेरा मुझे ना
इसको और ज्यादा हल्के पे लेने पे नहीं होगा, इसको मारना ही पड़ेगा। फालतू लोग कहाँ से आ जाता है भाई। यहाँ पर भी एक चेस्ट है, इसको अनलॉक करता हूँ। कुछ सही चीज तो निकल जा। ओ भाई भाई बहुत सही चीज मिला मुझे। और कितना सा जाना पड़ेगा दूर? कौन है? आजा, धप्पा मत करियो, जो भी है धप्पा ना करियो मेरे। चलो चलो चलो, मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है, एक लाइट मुझे रास्ता दिखा रही है, इधर जाने के लिए बोल रहे। चलो इधर ही जाऊंगा मैं सीधा। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ कौन है रे तू? नहीं 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 नहीं, ये कोई पक्षी जैसा है लेकिन इसके अंदर पावर है। अभी मैं रास्ते पे जो मार मार के आया ना, उससे इसका तो पावर ज्यादा ही है, लेकिन मेरे से नहीं। मास्टर आ जाएगा ना तो तुम लोगों को धो डालेगा। ओ, चलो इसको भी मार दिया मैंने। चलो इसको जल्दी से अनलॉक कर लेता हूँ फटाक से, अगरबत्ती लगा के। चलो इसको भी मैंने लगा लिया और ये भी हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ जिससे मेरा हेल्थ रिकवर हो जाएगा और मेरा पावर भी रिकवर हो जाएगा। चलो तो किधर जाना पड़ेगा? कोई रास्ता दिखाने वाला है? नहीं है। इधर जाता हूँ इस टूटे घर के अंदर। कुछ भी सामान है तो दिख जाओ, मुझे सब कुछ लेना है ना। ओह सच्ची में यार, मानना पड़ेगा गेम का ग्राफिक्स डेवलपर, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यार, सच्ची में मानना पड़ेगा। क्या चीज है वो? क्या चीज है भाई? पानी पे उतर गए क्या वो? कुछ तो एक चीज था। ये रहा ये रहा ये रहा, रुक रुक। और ये ले, इसके अंदर बहुत अच्छा खासा पावर है। ये कोई सांप जैसा है लेकिन तू जो भी है मारना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है तुझे। चल खत्म, इसका भी खेल खत्म। मुझे पता था इन लोगों को मारना कोई बराबर थोड़ी होता है भाई। इस तरफ जाओ, ये इस तरफ जाओ, इस तरफ। कौन है रे? कौन 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 तलवार चलाया? साउंड मिला मुझे। यहाँ पर कुछ चीज़ है जो उठाता हूँ मैं। भाई यहाँ पर कोई बैठा है ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये वाला बनना ही पड़ेगा, ये वाला बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं। यार मैं सोचा तो बहुत ताकतवर होगा, मैं बेकार पे ये वाला बन गया। चलो फिर से मैं नॉर्मल हो गया, मैं बेकार पे बन गया। मैं सोचा था कुछ ज्यादा ही ताकतवर होगा, बहुत सारे था ना इसलिए सोचा था। इसे पहले जमाऊंगा और जमाने के बाद ऐसे मारूंगा। रुक या ले, अटैक करने का समय नहीं दूंगा, अटैक करने का समय नहीं दूंगा। 13 लेवल हो चुका है गाइस, तुम्हारा भाई का 13 लेवल हो चुका है। यहाँ से कुछ मशरूम उठा लेता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ है लेने जैसा? ना नहीं ले जैसा कुछ तो नहीं है। इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ। यहाँ पर कुछ तो चीज़ है। कौन है तुम? रास्तों में तुम्हें कुछ अनजान आत्माओं से सामना हुआ होगा, जो शरीर तो छोड़ देते हैं लेकिन हाव में लुप्त नहीं होते। अफसोस कि तुम्हारी लौकी किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरी भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। शायद उन आत्माओं का मार्गदर्शन करके मैं उन्हें सुधारने का तरीका जानता हूँ और ये तुम्हारे काम आएंगे।
तुम्हारी ये लौकी अब पहले से बेहतर है, हालांकि ये थोड़ी छोटी है, लेकिन उन भटकती हुई आत्माओं को कैद करके तुम उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। ओके गाइस, दादाजी ने मेरा हेल्थ के अंदर कुछ जादू कुछ कर दिया गया है, तो इससे मुझे ना हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और एक चीज देखो, इस जगह पे ये जो दादाजी है ना, ये एक इंसान है, कोई जंगली जानवर जैसे मुझे अटैक करने वाला बहुत सारा था ना, उसमें से कोई नहीं है, ये एक इंसान है। और ओके, लेकिन दादाजी अभी हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस एपिसोड को इस जगह पे हम एंड करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। दादाजी से जो बोला हमने वो तो जाकर करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा। तो आप लोग इस पार्ट के अंदर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से कमेंट कर देना। और सब्सक्राइब बटन को तो दबाना भाई थोड़ा सा भी मत भूल जाना, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और ये वाला पार्ट आप लोगों को देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अभी तो हमारे लोगों का कैरेक्टर भाई बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। अभी भाई सामने जाने के बाद इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों और भी बहुत सारे मॉन्स्टर और बहुत सारे ताकतवर चीज देखने के लिए मिलेगा। तो इस वाले एपिसोड को हम इस जगह पे एंड करते हैं। तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मेरी यारो टाटा बाय बाय।